ऐसी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। पुणे के रिहायशी इलाके से एक तेंदुए को पकड़ लिया गया। इस दौरान तेंदुए को देखने के लिए भारी भीड़ जुट गई। इसके पहले वन विभाग की टीम ने वहां घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन कुछ देर तक ये तेंदुआ किसी के हाथ नहीं आया। वो इधर से उधर भागता रहा, कभी मकान पर तो कभी कार पर, लेकिन फिर इस तेंदुए को बेहोश कर वन विभाग की टीम ने पकड़ा। राजस्थान के जयपुर में एक आरपीएफ जवान ने रेलवे स्टेशन पर एक यात्री को बचा लिया। दरअसल ये यात्री गलती से किसी और ट्रेन में चढ़ गया था, लेकिन जब वो उतरने लगा तो ट्रेन चल पड़ी। इस दौरान उसका पैर फिसल गया, जिसके बाद पास में खड़े आरपीएफ जवान ने तुरंत एक्शन लिया और इस यात्री को अपनी तरफ खींचा ताकि ये यात्री ट्रेन के नीचे न आ जाए। राजस्थान के पाली में एक गड्ढे में गिरे सांड को बचा लिया गया। इस दौरान वहां जेसीबी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, फिर इस सांड को रस्सी से ऊपर खींचा गया। इस तरह उसकी जान बची। बताया जा रहा है कि यह गड्ढा पानी की पाइप को ठीक करने के लिए खोदा गया था। राजस्थान के भीलवाड़ा में कुछ लोग अपने शरीर पर 4-4 किलो रुई लपेटकर डांस करते नजर आए। दरअसल वहां 400 साल से ज्यादा समय से ऐसी परंपरा है। कहा जाता है इस नाहर नृत्य को उस समय के मुगल बादशाह शाहजहां के मनोरंजन के लिए शुरू करवाया गया था। इस साल इसे होली के बाद आयोजित किया गया। इस दौरान कुछ लोग पारंपरिक वाद्य यंत्रों के धुनों के बीच शेर का स्वांग रचकर ये नृत्य करते हैं। भारत समेत दुनिया भर में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। इस दौरान महाराष्ट्र के अकोला समेत कई जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हुए। इस खास मौके पर पक्षी प्रेमियों ने गौरैया के संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठाने की भी अपील की।